मैक्सी को पड़ा करके मैक्सी की तरफ प्ले डाउन करते हुए हल्का सा यहाँ पे ओवर पिक कर लिया जिसके कारण काफी ज्यादा डैमेज ले लिए, बट स्ट्राइकर को भी नॉक कर दिया। माफिया गोइंग ऑन अ रोल एंड यहाँ पे फर्स्ट एड लगाने के लिए टाइम नहीं है। ब्लैक यहाँ पे प्ले डाउन करेंगे, क्या माफिया क्लच कर पाएंगे? ओ माय गुडनेस, दैट वाज एन अमेजिंग 1v4 क्लच। यहाँ पे घातक क्या बेहतरीन एक हेडशॉट ले पाएंगे टीम आईएनटी के साथ। फाइट चलता हुआ लूसीफर को स्पॉट करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट। चलते हैं यहाँ पे टीम टीएसएम एनटीटी ऑलरेडी यहाँ पे 13 किल्स निकाल रखे हैं। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर 3 के प्लेयर की तरफ, यहाँ पे जेसी कॉल के साथ फाइट करके यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया। देखते हैं यहाँ पे यहाँ पे फ्लाइट पाथ जो है हमारा जाता हुआ है क्वारी से लेके सिवर्नी की तरफ। अगर यहाँ पे फ्लाइट पाथ की बात करें तो काफी वेस्टर्निश साइड फ्लाइट पाथ बना है यहाँ पे, आप इंस्टेंटली पुश इन करने वाले। सो लेट्स सी यहाँ पे एमबी से ऐडो फॉल बैक करने की कोशिश करेंगे, बट राइट एट द मोमेंट उनको द डूड पे काफी ज्यादा निर्भर रहना पड़ेगा। द डूड हाउएवर यहाँ पे कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं, बट यहाँ क्या यहाँ पे सक्सेस हो पाएंगे। फिलहाल प्ले डाउन करते हुए स्कारल के द्वारा बहुत ही प्यारे स्प्रेज लिए हैं, कुछ डैमेजेस हुए हैं। एनडीजेड के शैडो ने यहाँ पे डीरेटेड सर को नॉक कर दिया। शिफू हाउएवर कमिंग इन टू दैट नॉक एंड सूर्या यहाँ पे सिंगल टैप शॉट देते हुए, बट शिफू के ऊपर कनेक्ट नहीं होता हुआ। तो टीम एमजीजेड लूजिंग आउट ऑन वन प्लेयर, बट सूर्या को भी यहाँ पे कॉट ऑफ गार्ड कर देंगे। वाडू सर कमिंग इन विद दैट यू नो लेट बैक लाइन फ्लैंक, तो बहुत ही बेहतरीन बैक लाइन फ्लैंक था ये एंड बहुत ही सक्सेसफुल फ्लैंक था इनफैक्ट। एंड एंटायर एमजीजेड की स्क्वाड यहाँ पे बिखरती हुई देखने को मिल रही है। टीम डी के 4 प्लेयर्स डेफिनेटली वो मैन एडवांटेज जरूर था, उसका जरूर फायदा उठाया। शिफू यहाँ पे स्प्रे ले रहे हैं फ्रॉम एमजीजेड के द डूड, तो देखना पड़ेगा टीम नंबर 20 वर्सेस टीम नंबर 6। दलजीत ने यहाँ पे इंसेंट टेम्पेस्ट को नॉक कर दिया, नरूटो को भी नॉक कर दिया, 2 प्लेयर्स को नॉक कर दिया एंड इंसेन के बावा ओपी बस लास्ट मेंबर सर्वाइविंग है। यहाँ पे धीरे धीरे क्लोजिंग करते हुए टीम ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स की तरफ देखते हैं। मवी यहाँ पे हाउएवर स्पॉट आउट करेंगे, एक अच्छे फ्लैंक एंगल ऑलरेडी लेके बैठे हैं मवी एंड बावा यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए अपने मौत की तरफ आए थे। एंड यहाँ पे बावा बहुत ही प्यारा नॉक देते हुए यहाँ पे ऑरेंज रॉक के वंपायर की तरफ, मवी हाउएवर स्पॉट आउट करेंगे। बावा यहाँ पे मवी की तरफ भी स्प्रे लेते हुए इंस्टेंटली प्रोनाउन करेंगे आफ्टर टेकिंग दैट सिंगल शॉट, बट टीम एसजी की स्क्वाड भी यहाँ पे आ चुके, बावा काफी ज्यादा फंस चुके। टीम ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स यहाँ पे एसजी के प्लेस की तरफ शॉट्स लेते हुए चलते हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ पे ड्रोन व्यू लेते हैं ताकि यहाँ पे पूरा जो इंटायर सिनारियो है हम लोग प्रॉपर तरीके से देख सके। टेड ने यहाँ पे एक नॉक ले लिया इंसेन के बावा को एंड यहाँ पे सोल के रेगुलटॉस भी वहाँ पे नॉक हो चुके हैं। टीम ऑरेंज रॉक के मवी आप देख सकते हो काफी ज्यादा डैमेज लेते हुए, रेवेंज के परफेक्ट ने वहाँ पे सोल के सांगवान को व्हीकल एक्सप्लोजन से फिनिश ऑफ कर दिया। मवी यहाँ पे फॉल बैक करते हुए वंपायर यहाँ पे फिनिश ऑफ हो जाएंगे। देखते हैं यहाँ पे एंटो के पर्सपेक्टिव में एंटो भी शॉट लेते हुए विद दैट डीपी टीम। सोल हाउएवर बहुत ही खराब पोजीशन में ऑलरेडी जा चुके, कीकी ने वहां पे एमवाईएम के बिलीव को नॉक कर दिया। एंटो हाउएवर यू नो स्पॉटिंग डाउन एसजी के सिर्वी को, यहां पे देखते हैं यहां पे एंटो सिंपल बर्स्ट टैप्स ले रहे हैं, बट दलजीत यहां पे डेफिनेटली कोशिश करेंगे उनको बचाने के लिए। बहुत ही प्यारा कवर पाया देते हुए यहां पे केके को फिनिश ऑफ जरूर कर देंगे। ऑरेंज रॉक के दलजीत सिर्वी को भी स्पॉट आउट करना चाहेंगे। फिलहाल इनका जो प्रायोरिटी रहेगा यहां पे एंटो को रिवाइव देने का वो यहां पे बखूबी करेंगे। मीनवाइल यहां पे इमॉर्टल और क्लोक की तरफ चलते हैं। मीनवाइल यहां पे यूमी के साथ फाइट करता हुआ यूमी के पैसिव आई जिसकी तरफ शॉट देते हुए यहां पे इमॉर्टल नॉक हो चुके हैं। अभी चलते हैं क्लोक की तरफ, देखते हैं यहां पे क्लोक के पर्सपेक्टिव में अकेले बचे हैं। इट्स अ 1v4 सिचुएशन राइट नाउ। यूमी के 420 ओपी पुशिंग करते हुए यहां पे स्प्रेड आउट करते हुए क्लोक ने यहां पे रिलोड करके गलती कर दिया एंड ये छोटा सा रिलोड costed the squad wipe over here। टीम ऑरेंज रॉक और टीम एसजी के बीच में यहां पे फाइट चलता हुआ देखते हैं। यहां पे एसजी के टेड ने यहां पे हाई ग्राउंड ले लिया, तो डेफिनेटली ऑरेंज रॉक के ऊपर उनका एडवांटेज एंड ऑस्टिन एक्स यहां पे उस चीज का फायदा उठाते हुए, बट दलजीत यहां पे फाइट लेना चाहेगा। दलजीत भी यहां पे नॉकआउट हो चुके हैं एंड मवी एक अच्छा खासा एंगल रखे, बट टीम इनसेन के प्लेयर्स भी बिल्कुल पास उनके तैनात है। मे भी यहाँ पे टीम नंबर 8 के रैना शायद कुछ यहाँ पे बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल मवी को कोई भी आइडिया नहीं है, यहाँ पे टीम से इनके प्लेयर है, बट फिलहाल मवी स्प्रे डाउन करते हुए बहुत ही प्यारा स्प्रे बाय मवी एंड बहुत ही प्यारा यू नो फिनिश ऑन टू बट यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए कैरी की तरफ बहुत ही प्यारा स्प्रे आता हुआ कैरी के द्वारा एंड बहुत ही प्यारा नॉक एंड यहाँ पे यूएमई के पैसिव आईजीएल को भी गिल ने स्पॉट कर दिया। व्हाट अ ब्यूटीफुल नॉक आप देख सकते हो यहाँ पे गॉडल के यमराज यहाँ पे उनको फिनिश ऑफ कर देंगे। गॉडल के किल के तरफ टीम नंबर 4 के प्लेयर्स पुशिंग करते हुए यहाँ पे टीम टीएसएम की स्क्वाड देखते हैं। यहाँ पे टीएसएम के प्लेयर्स काफी ज्यादा दिक्कत में एंड टीएसएम की तरफ से आज फिलहाल एग्जी खेल रहे क्लच कॉर्ड आतंकी
तो क्लच कॉड यहाँ पे टीम नंबर फोर की तरफ से खेल रहे हैं, एक्सी यहाँ पे आई थिंक टीम सेल्स की तरफ खेल रहे हैं, तो टीम सेल्स यहाँ पे टीम गॉडल के काफी ज्यादा फोर की करीब आ टीम चुके के हैं, देखते फाइट हैं यहाँ तरफ पे। चलते हैं। एक्सी यहाँ पे टीम नंबर फोर की तरफ से खेल रहे, दैट इज टीम सेल्स। सेल्स के रॉक्स ने वहां पे गिल को नॉक कर दिया है, तो यमराज आई थिंक डेफिनेटली यहाँ पे कवर फायर देने चाहेंगे। यहाँ पे क्लच गॉड का पुश आता हुआ, यहाँ पे बहुत ही प्यारा स्प्रे देते हुए कैरी, बट यहाँ पे स्प्रे कनेक्ट जो है नहीं कर पाए। फिलहाल टीएसएम एंटिटी क्लच गॉड धीरे धीरे क्लोजिंग करते हुए बैंडेजेस लगा रहे हैं। यहाँ पे यमराज बिल्कुल इनके पास कोई भी प्रकार के हीलिंग्स नहीं है। क्लच गॉड यहाँ पे क्लोजिंग कर चुके हैं, काफी ज्यादा दिक्कत में आ चुके हैं गॉडल के कैरी। देखते हैं यहाँ पे गॉडल के कैरी किस हिसाब से इस सिचुएशन के साथ टैकल करते। फिलहाल उनके जो बाकी टीममेट्स हैं यहाँ पे आतंकी स्पॉट करते हुए, बट आतंकी का बहुत ही प्यारा नॉक आता हुआ। बाकी यहाँ पे क्रॉन्टेन और स्मोकी काफी ज्यादा पीछे हैं एंड धीरे धीरे इनिशिएट आउट करेंगे, बट एक्सी को यहाँ पे स्पॉट आउट करते हुए स्मोकी का बहुत ही प्यारा उमदा नॉक देखने को मिला। रॉक्स को भी स्पॉट कर लेके रॉक्स की तरफ भी स्प्रे डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं स्मोकी। फिलहाल स्मोक आई थिंक स्मोकी का जो शॉट है वो नहीं करने कर पाए, तो टीम गॉडल पुचिंग की गई थी। आई एम क्वाइट ऑफ काइंड ऑफ सरप्राइज कि उनको इतने खराब लूट कैसे मिली। यू कैन सी यहाँ पे उनके पास बिल्कुल भी हील नहीं है, बिल्कुल भी यू नो यूटिलिटीज नहीं है, स्कोप नहीं है। रिवेंज के एक बॉस ने वहां पे आई थिंक एक्जी का जो किल है वो सिक्योर कर लिया। फिलहाल रॉक्स के साथ यहां पे स्मोकी का 1v1 फाइट चलता हुआ, यहां पे बहुत ही प्यारा स्प्रे देते हुए स्मोकी ने यहां पे रॉक्स को भी नॉक कर दिया। तो टीम मॉडल की बैक ऑफ नहीं करती हुई, टीम नंबर फोर के यहाँ पे दो प्लेयर्स इन्होंने भी चटका दिया। डेफिनेटली एक प्लेयर जो है वो चोरी हो गया, बट नेवरदलेस अमेजिंग गेम प्ले बाय टीम गॉडल स्मोकी। क्रॉन्टेन की तरफ एक दफा नजर डालते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्रॉन्टेन एक अच्छे खासे हाई ग्राउंड पोजीशन पे करेंगे, एक प्लेयर के ऊपर बहुत ही प्यारा स्प्रे डाला क्रेटोस की तरफ। हाउएवर इन्होंने ऑलरेडी आई थिंक अपने एक टीममेट ट्रांस को जरूर गवा दिया था इन द प्रोसेस। 420 यहाँ पे कुछ करना चाहेगा कुछ देते हुए यहाँ पे, बट मोलोटोव आता हुआ यहाँ पे 420 को इंस्टेंटली यहाँ पे काइंड ऑफ हील अप करना पड़ेगा, बट यहाँ पे अपने आप को रिलोकेट करने की कोशिश कर रहे थे, बट लूसीफर ने यहाँ पे बहुत ही प्यारा नॉक दे दिया। फिलहाल डेस्ट्रो के साथ फाइट चलता हुआ, डेस्ट्रो ने यहाँ पे लूसीफर को नॉक कर दिया, क्रेटोस को भी नॉक करते हुए दो नॉक ले चुके हैं यहाँ पे डेस्ट्रो। अगर एक प्यारा सा प्रोन शॉट देख लेते, स्नैक्स को फिनिश कर देते, तो यहाँ पे डेस्ट्रो कुछ अपने लिए नया नाम बना लेते। फिलहाल सेल्स के आतंकी अकेले बचे, यहाँ पे रिवेंज के सोनी फॉक्स को गॉड यहाँ पे नॉक करते हुए, दिस वाज नॉट एंटिसिपेटेड। टीम सेल्स के आतंकी को यहाँ पे एक जीवन दान देते हुए टीम टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स। रिवेंज के फाइनल बॉस को यहाँ पे जॉनथन नॉक करते हुए काफी ज्यादा खराब सीन हो चुका है टीम रिवेंज के लिए। यहाँ पे बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरते हुए आतंक यहाँ पे फाइनल बॉस का जो किल है वो चुराना चाहेंगे फ्रॉम द हैंड्स ऑफ टीम टीएसएम एंटिटी। रिवेंज के रायद यहाँ पे स्पॉट आउट करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एंटिटी गॉड की तरफ शॉट लेने की कोशिश कर रहे हैं, बट रायद को यहाँ पे बहुत ही प्यारा यू नो सिंगल शॉट पड़ा। रायद यहाँ पे इंस्टेंटली काइंड ऑफ हील अप कर जाएंगे, फर्स्ट एड जरूर लगाएंगे। टीएसएम घातक को स्पॉट आउट करते हुए यहाँ पे अपने आप को आई थिंक रिलोकेट करना इनके लिए बेटर होगा, क्योंकि ऑलरेडी अपना पोजिशन दे रखा है। एग्जैक्टली टीम को पता है कहाँ पे घातक का बहुत ही करारा हेडशॉट आता हुआ परफेक्ट की तरफ, कोई भी विडन नहीं हुआ है। हाउएवर एडविट के माफिया यहाँ पे फाइट ले चुके हैं, बहुत ही प्यारा दो स्प्रे से नॉक कर दिया यहाँ पे एडविट के माफिया। हाउएवर यहाँ पे टीम तमिलास के साथ फाइट लेते हुए मैक्सी को स्पॉट आउट करेंगे, मैक्सी की तरफ प्ले डाउन करते हुए बट हल्का सा यहाँ पे ओवर पिक कर लिया, जिसके कारण काफी ज्यादा डैमेज ले लिए, बट स्ट्राइकर को भी नॉक कर दिया। माफिया गोइंग ऑन अ रोल एंड यहाँ पे फर्स्ट एड लगाने के लिए टाइम नहीं है। ब्लास्ट यहाँ पे प्ले डाउन करेंगे, क्या माफिया क्लच कर पाएंगे? ओ माय गुडनेस, दैट वाज एन अमेजिंग 1v4 क्लच, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्ले गाइस। कैन वी हैव द चैट रोरिंग विद 8 बिट माफिया ओपी, बिकॉज़ आई डजंट मैटर इफ ही डाइज ओवर हियर गाइस। फिनिश ऑफ कर दिया, ट्रिगर का यहाँ पे बहुत ही प्यारा स्प्रे आता हुआ। एश के तरफ लास्ट प्लेयर बचे, यहाँ पे निंजा फिफ्थ सर्कल है, यहाँ पे जोन के अंदर भी जाना है, लास्ट फर्स्ट एड बचा है। एश को रिवाइव तो बनता ही नहीं है, फिलहाल जोन के अंदर जाएंगे टीएसएम एंटिटी के प्लेयर्स। यहाँ पे सेंटर्स पोजीशन लेके यहाँ पे अच्छा खासा सिचुएशन का फायदा उठाते हुए देखते हैं। यहाँ पे जॉनथन चार किल्स ऑलरेडी ले चुके हैं, घातक यहाँ पे आईएनडी स्नैक्स को फिनिश ऑफ करते हुए। तो घातक भाई साहब यहाँ पे आजकल काफी ज्यादा हमने देखा है एडब्ल्यूएम चलाते हुए, देखते हैं यहाँ पे लूसीफर को हार्ड पिक देके रखा है। फिलहाल काफी ज्यादा ओपन में थे घातक, जिसके द्वारा क्रेटोस उनके ऊपर काफी सारे शॉट्स लैंड आउट कर पाए, बट यहाँ पे उनके जो टीम के जो हुकुम के इक्का है दैट इज जॉनसन, क्योंकि आप देख सकते हो कितना प्यारा यहाँ पे कवर फायर दे रहे हैं। आई वांट टू सी वन ऑफ दोस हेडशॉट्स भाई घातक, तो देखते हैं यहाँ पे घातक क्या बेहतरीन एक हेडशॉट ले पाएंगे। टीम आईएनडी के साथ फाइट चलता है, लूसीफर को स्पॉट करेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट बाय घातक। एंड यहाँ पे इसी के साथ आई थिंक क्रेटोस कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पे उनके पास को आने के लिए, यहाँ पे रिवाइव देने के लिए, बट आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू बी पॉसिबल, स्पेशली जब आपके पास कोई गाड़ी नहीं हो और आपके सामने टीम और टीएसएम एंटिटी जैसे स्क्वाड हो। और घातक आई डो नॉट नो वट टू से टू दिस मैन राइट नाउ गाइज, फटाफट यार घातक ओपी भी कर दो। यहाँ पे टीम टीएसएम एंटिटी ऑलरेडी यहाँ पे 13 किल्स निकाल रखे हैं, यहाँ पे
देखते हैं यहाँ पे टीम नंबर थ्री के प्लेयर की तरफ, यहाँ पे ब्लेजिंग क्रॉल के साथ फाइट करके यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया। देखते हैं यहाँ पे गॉड की तरफ टीम टीएसएम एनटीटी के जी गॉड की तरफ ब्लेजिंग क्रॉलर्स के सीजी को यहाँ पे आई थिंक काफी ज्यादा डैमेज दे दिया नेट फेंकते हुए टीएसएम एनटीटी नियो। वहाँ पे एलिमेंट्रिक्स के पुपू मैन को फिनिश करते हुए ऑनकोर ने वहाँ पे सोल के मांबा को फिनिश कर दिया। गॉड का यहाँ पे नेट फाइनली कनेक्ट करता हुआ ब्लेजिंग क्रॉलर्स के सीजी की तरफ, जी गॉड यहाँ पे स्प्रे डाउन करने की कोशिश करेंगे ब्लेजिंग क्रॉलर्स के ऑवी को यहाँ पे जॉन अंदर नॉक करते हुए। देखते हैं यहाँ पे ब्लेजिंग क्रॉलर्स सिचुएशन के साथ कैसे डील करती है। फिलहाल BSG Crawlers is all down to Evo, अकेले बच्चे अपने स्क्वाड की तरफ से। यहाँ पे टीम TSM Entity का बहुत ही यू नो अग्रेसिव पुश, उनको पता है ये चिकन डिनर उनके खेमे में आ चुका है, बट देखते हैं क्या Evo कुछ कमाल का गेम प्ले दिखा पाएंगे। डेफिनेटली नॉट बाय प्रोनिंग, क्योंकि यहाँ पे टीम TSM Entity जिस हिसाब से अग्रेसिव निकालती है दैट इज रियली हार्ड टू डील विद। Evo ने यहाँ पे एक किल जरूर निकाल लिया, जॉनथन को नॉक कर दिया, घातक को भी ऑलमोस्ट नॉक करने के कगार पे थे, बट टीम एंटिटी कमिंग इन विद अनदर ब्यूटीफुल चिकन डिनर। कैन वी हैव द चैट रोरिंग विद टीएसएम एंटिटी ओपी इन द चैट। घातक की अगर बात करें यहाँ पे टीम टीएसएम की स्क्वाड, सो यहाँ पे 5 किल्स 5 10 15 और 19 किल्स के साथ चिकन डिनर ले चुके।